आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। अगर हमें x माइनस ए से डिवाइड देना है कोई भी x से रिलेटेड किसी पॉलिनोमियल में, तो हम जानते हैं कि डिवाइड देने के बाद मान लेते हैं कोई कोसेंट क्यू आया और उसके कारण सॉल्व होने पर हमारा रिमाइंडर आर आता है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग रिमाइंडर का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसका डिवीजन जो एल्गोरिथम है उसके हिसाब से हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा। तो उसमें देखते हैं ये जो पी एक्स है पॉलिनोमियल जिसको डिविडेंड बोलते हैं, वो पी एक्स इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन यानी एक्स माइनस ए इंटू कोसेंट क्यू प्लस आर के बराबर होता है। अब देखो, क्योंकि हमें इस रिमाइंडर का वैल्यू निकालना है, तो रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा इसको निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, कोसेंट तो अलग अलग केस में अलग अलग आएगा, है ना, लेकिन हमारा जो डिवाइजर है वो तो बिल्कुल फिक्स है कि x माइनस ए से ही डिवाइड देना है। सोचो अगर इस डिवाइजर का वैल्यू हम जीरो मान लें तो क्या होगा। डिवाइजर का वैल्यू अगर हम जीरो मान लें, मतलब x माइनस ए का वैल्यू हम जीरो मान लें, तो होगा ये कि x के जगह पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो x है इसके जगह पर a आ जाएगा और यहाँ पर भी जो x है इसके जगह पर a आ जाएगा, और इसका परिणाम ये होगा कि पी ए का जो वैल्यू है ये तो पूरा जीरो होने के कारण इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा जीरो हो जाएगा और ये रिमाइंडर आर बचेगा, यानी जो पी ए का वैल्यू है वो आर के बराबर हो गया। इसी स्टेटमेंट को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यानी रिमाइंडर थ्योरम का साफ कहना है कि अगर एक्स माइनस ए से किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड हम लोग देते हैं, तो अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो डिवाइजर का वैल्यू हमें जीरो के बराबर मानना होगा। जैसे ही इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा, क्योंकि इतना बराबर इतना गुने इतना प्लस इतना होता है, इसका वैल्यू जीरो होने से ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो जीरो हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। एक एग्जाम्पल्स देखिए। पहला टर्म लगाने के लिए ये 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x करना होगा, यानी कैंसिल होकर 5x आएगा, और ये जो 5x है हम इस पूरा को 5x में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 5x स्क्वायर माइनस 15x, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 15x आएगा, और इसको घटा दो, घटाने के क्रम में ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस 13x प्लस 8। अब अगला टर्म हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे आया है इसका हाईएस्ट डिग्री ये है, तो 13x में हमें डिवाइड x से देना होगा, कैंसिल होकर 13 आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 13 से लगाएंगे। अब इन दोनों में जब मल्टीप्लाई होगा, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हम x और 13 को मल्टीप्लाई करके 13x लाएंगे, माइनस 39 आ जाएगा, घटाने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 47 आ जाएगा। तो ये तो एक एक्चुअल डिवीजन से हमने रिमाइंडर निकाला। अगर इसी एक्चुअल डिवीजन को हम कुछ ऐसा लिखें, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5x प्लस 13 प्लस 47। तो सीधी सी बात है कि ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो चेंज होगा कब, अगर हम लोग x माइनस 3 को जीरो मान लेंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होगा कि आप x इक्वल टू 3 मान रहे हैं। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या आएगा वो देखें, इसका वैल्यू आ जाएगा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, यानी जीरो इंटू 5x प्लस 13 ये वैल्यू लिखा गया,
प्लस 17, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि सॉरी 47 यहाँ पे लिखना होगा क्योंकि ये 47 है और हमारा रिमाइंडर 47 आया, देख लो। तो इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो सॉल्यूशन जब हम लोग करेंगे तो क्योंकि डिवाइजर हमारा ये है, इसको जीरो मान लेंगे, लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू थ्री। नाउ पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 5x² - 2x + 8, इसलिए हम लोग x के जगह पर कितना लिखेंगे 3। पी थ्री इक्वल टू 5 × 3² - 2 × 3 + 8, यहाँ पे कितना आएगा 3 × 3 = 9, 9 + 5 = 45 - 3 × 6 + 8 यानी आ जाएगा 45, और ये दोनों मिलके हो जाएगा +2 यानी 47 आंसर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर एग्जैक्टली उतना ही रिमाइंडर आया जो रिमाइंडर हमने डायरेक्ट डिवीजन करके लिया था। तो ये एक मेथड है जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से बिना डिवीजन दिए ही रिमाइंडर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके लिए सिंपल सी बात है, हमें जिस चीज़ से डिवाइड देना होता है उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं और एक्स का वैल्यू पुट करने पर वो चला